आज की वीडियो में हम जानेंगे मेडिकल गेयर्स के बारे में। तो हमारी हॉस्पिटल में या ऑपरेशन थिएटर में कौन कौन सी मेडिकल गेयर्स हम यूज करते हैं, और दूसरा हम जानेंगे कि जो हम मेडिकल गेयर्स यूज करते हैं तो वो जो सिलेंडरों से मिलती है, तो कौन कौन से सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध हैं, वो किस साइज के हैं, और अगला जानेंगे कि जो सिलेंडर है तो उनको हम कैसे पहचानेंगे, जो कलर कोडिंग में आते हैं तो कौन सा कलर का कौन सा सिलेंडर है, और अगला जानेंगे कि जो मेडिकल गेयर्स हमें मिलती है तो वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, और अगला जानेंगे पिन इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे मेडिकल गेयर्स कौन कौन सी है जो हम यूज करते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ये रहेगी हमारी ऑक्सीजन, ये नाइट्रस, और ये मेडिकल एयर रहेगी। ये दो प्रकार की है, मेडिकल एयर और सर्जिकल एयर। और तीसरा रहेगा वैक्यूम, जो कि सक्शन के लिए हम यूज करते हैं। और ये जो गैस है ये हमें सेंटर लाइन से मिलती है, और दूसरी मिलती है हमें सिलेंडर से। ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास सिलेंडर हैं। तो ये रहेगा ऑक्सीजन का, तो इससे हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, दूसरी हमें सेंटर लाइन से मिल जाएगी। ये हमारा नाइट्रस का सिलेंडर है, और ये हमारा CO2 का सिलेंडर है। अगर साइज की बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के साइज के आते हैं। ये छोटे साइज का है, ये बड़ी साइज का है। ये है, इसको हम बी साइज का कहेंगे, ये डी साइज का रहेगा। अगला जानेंगे कलर कोडिंग के बारे में, जो सिलेंडर है वो कौन कौन से कलर में आते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन का है ये ब्लैक कलर में आएगा, और इसका जो ये बॉडी ब्लैक कलर की रहेगी, हेड है ये इतना सा, ये वाइट कलर में रहेगा। ये हमारा नाइट्रस सिलेंडर रहेगा, ये पूरा ब्लू कलर का रहेगा। और ये हमारा रहेगा CO2 सिलेंडर, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, तो ये रहेगा ग्रे कलर का। तो मोस्टली यही हम ऑपरेशन थिएटर में गैस हैं जो यूज करते हैं और सिलेंडर यूज करते हैं, तो इनका कलर इस प्रकार से रहेगा। अब हम दूसरा जानेंगे, जो ये जो गैस है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। ये मेन एक तो रह गया सिलेंडर, सिलेंडर से हमें सीधी मिल जाएगी, हम यहाँ मशीन में अटैच करेंगे तो ये हमें गैस सिलेंडर से मिल गई है। दूसरी हमें सेंटर लाइन से मिलेगी, और सेंटर लाइन में भी ये लिक्विड गैस टैंकर रहता है, स्टोर टैंकर, तो उससे मिलती है। और दूसरा होल्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर सिस्टम रहता है, तो वहाँ से मिलती है। और तीसरा रहता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से, तो उससे भी हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन का सेंट्रल स्टोर, और यहाँ से ऑक्सीजन पूरे मेडिकल में सप्लाई की जाती है, वार्ड में और OT के अंदर। ये किस प्रकार से काम करती है तो इसको हम जानेंगे आज। तो ये ऑक्सीजन प्लांट है, यहाँ से सर OT में बाहरों में सप्लाई होती है। तो ये कितने सिलेंडर मतलब एक दिन में यहाँ पे लग जाते हैं सिलेंडर? सर जैसा काम हो जाए वैसे, तो अभी अभी तो इस समय सर 90-100 की लगभग। ये जो बॉक्स लगा है तो इसका मतलब क्या यूज है, इसमें क्या देखते हैं और इससे क्या पता चलेगा? सर इस बॉक्स से सर लाइन का प्रेशर पता चल जाता है, और इस फुल ऑटोमेटिक है ये बॉक्स। इसमें सर लिक्विड का भी अलग है, जैसे आप देख सकते हैं बैंक के जी आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला है, और बैंक भी राइट हैंड साइड वाला है, और बैंक सी इमरजेंसी के लिए, और बैंक लिक्विड का लिक्विड के लिए जो आपको बाहर का जो बड़ा टैंक लगा है। हाँ बाहर जो बड़े टैंक लगे हैं, और इसका मेन प्रेशर ही बता रहा है, मतलब प्रॉब्लम होगी सप्लाई में तो ये अलार्म के थ्रू ये रेड जल जाएगा, आवाज कर देगा पूरा। वहाँ से अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो ये अलार्म बच जाएगा, और हमें यहाँ से सिलेंडर अटैच करना पड़ेगा। सिलेंडर अटैच करना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए, एक वो लगा हुआ है और एक लेफ्ट बैंक में लगा हुआ है, दोनों जगह। में कितने सिलेंडर लग जाएंगे? अभी नहीं लग सकता सिलेंडर, अभी लिक्विड चल रहा है। यदि अभी लगेंगे तो मिनिमम 150-200 के समथिंग आ जाएंगे। सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी? हाँ 150-200 सिलेंडर चाहिए सर। दो ऑप्शन है अपने पास, यदि मान लो ये वाला कौन आ गई ये वाले में तो बी वाला चालू कर सकते हैं, बी वाले कौन हो तो ई वाला चालू कर सकते हैं। अभी अपने ई वाला चालू है और वहाँ से सप्लाई आ रही है, प्रेशर बता रहा है कोड 4 का प्रेशर पे चल रहा है, PSI पे चल रहा है, और ये वाला स्कैन का प्रेशर बता रहा है। वो वाला प्रेशर सर जो इसमें बता रहा है वो इसमें मेन कोल्ड में बताएगा, मैन प्रेशर में, और जी वाला सर टैंक का बता रहा है प्रेशर। आपके लिए मतलब किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसके थ्रू भी आप बाहर के बजाय तो प्रेशर देख सकते हैं और मेंटेन हो रहा है पूरा।
और ये जो सिलेंडर अभी सप्लाई हो रही है तो ये कहाँ से होती है अपने पास? सिलेंडर की सप्लाई सर वो गौरी गैस से होती है, सिद्ध गाँव में उसका प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ से फिर लोग आते हैं। अपने पास यहाँ पे किस किस प्रकार के मतलब जो साइज है सिलेंडर की, वो कितने प्रकार की सिलेंडर की साइज है, वो कौन से सिलेंडर जिनको हम कहेंगे डी टाइप का, जे टाइप का, बी टाइप का, वो बताइए थोड़ा। सर ये बड़ा वाला जमीन डी टाइप का और ये सर छोटा वाला है वो बी टाइप का। ये बी टाइप के हैं, वो डी टाइप के हैं, और वो वाले वो भी डी टाइप है, वो डी टाइप के, जब वो डी टाइप में आते हैं और छोटे वाले डी टाइप। ये किसका प्लांट है और इससे हमें क्या मिलेगा हॉस्पिटल के लिए? सर ये एयर से ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और उसके लिए रिसाइकिल करके और बीएमसी के लिए सप्लाई करेगा। ये ऑटोमेटिक ऑक्सीजन बनाएगा और मेडिकल को सप्लाई करेगा। यहाँ अपन को मतलब अलग से सिलेंडर लगाना नहीं पड़ेगा और अलग से ऑक्सीजन भरनी नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही ऑक्सीजन बना के और मेडिकल को सप्लाई करेगा। इस मशीन से इसको कहेंगे हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इसके द्वारा भी हमें मेडिकल एयर मिलेगी, तो ये हमें ऑक्सीजन देगी तो एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर रहती है तो उससे ये ऑक्सीजन लेके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, तो इससे हम मैक्सिमम 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन ले सकते हैं। और इसमें ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती, एयर को ऑक्सीजन बनाती है और चलती रहती है, बस इसमें जो पानी रहता है वाटर तो ये चेंज करना रहता है। यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कितने लीटर पे हमें 1 मिनट में ऑक्सीजन देना है। अब हम जानेंगे पिन इंडेक्स के बारे में। पिन इंडेक्स, तो पिन इंडेक्स एक सेफ्टी फीचर्स होता है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिन इंडेक्स बना है इस प्रकार से, तो ये अलग अलग गैस का अलग अलग पिन इंडेक्स बना रहता है अलग अलग से। इससे क्या होता है कि जो हम सिलेंडर अटैच करेंगे तो वो अटैचमेंट है इनका ऑक्सीजन का अलग रहेगा, नाइट्रस का अलग रहेगा, तो इससे क्या होता है से ये होगा कि हम जो रॉन्ग सिलेंडर है वो इसमें नहीं अटैच कर पाएंगे। जो ये पिन बनी है तो ऑक्सीजन के में हम नाइट्रस का सिलेंडर अटैच नहीं कर पाएंगे, नाइट्रस के में ऑक्सीजन सिलेंडर अटैच नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रकार से ये पिन बनी रहती है और सिलेंडर में होल बने रहते हैं। तो ये जो नाइट्रस का है इसका नंबर हम रहेगा 3-5 पर भी जो होल बने हुए हैं, तो ये जो पाइप है वो होल है, तो ये अलग अलग साइज के बने रहते हैं। नाइट्रस में नाइट्रस की लाइन ही अटैच हो पाएगी, ऑक्सीजन के में ऑक्सीजन की हो पाएगी, और ये मेडिकल एयर वाले में एयर की जो लाइन है वही अटैच हो पाएगी। तो इस पिन इंडेक्स का फ़ायदा ये रहता है कि गलत लाइन है वो गलत सॉकेट में अटैच नहीं हो पाती। अगला रहेगा कि सेंटर लाइन में जो एयर हमें मिलती है तो इसमें भी अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं, तो इनको कहेंगे हम PISS, इसको कहेंगे पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। तो इसमें भी ये अलग अलग टाइप की बनी हुई है, तो इसमें जो ऑक्सीजन वाली है ये वाइट कलर की, तो इसमें ये ऑक्सीजन का जो कनेक्टर है वही इसमें फिट हो पाएगा, ये ऑक्सीजन का कनेक्टर बना है तो ये इसी में ऑक्सीजन वाले में लग पाएगा, अगर इसको हम इसमें लगाएंगे तो ये मैच नहीं खाएगा और लगेगा नहीं। तो ये PISS सिस्टम पे काम करता है जिसको हम बोलेंगे पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। तो ये ऑक्सीजन का हो गया, ये नाइट्रस का है, नाइट्रस का ये डायमीटर है, ये नाइट्रस का इस जो पॉइंट बना है उसी में अटैच हो पाएगा, इसको अगर हम ऑक्सीजन में कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये वाइट कलर की हमारी हो गई ऑक्सीजन की, ये नाइट्रस की होगी ब्लू कलर की, और ये है हमारी एयर की, तो ये दो प्रकार की एयर हमारे को ये सप्लाई होती है, तो एक रहेगा ये MA लिखा है, ये मेडिकल एयर है, और ये है सर्जिकल एयर। मेडिकल एयर को हम मशीन में साथ में ऑक्सीजन के साथ में मिक्स करके पेशेंट को देते हैं, और ये जो सर्जिकल एयर है इस इंस्ट्रूमेंटों को साफ करने के लिए कर सकते हैं और दूसरे पर्पज से इसका यूज कर सकते हैं। ये वैक्यूम रहेगा, ये पॉइंट बना है वैक्यूम के लिए, तो इसमें कनेक्ट करके हम सक्शन चला सकते हैं, तो इस प्रकार से ये अटैच हो जाएगा और ये हमारा सक्शन काम करेगा। CO2 सिलेंडर है, इसका यूज हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी में करते हैं।
ये CO2 इंडोफ्लेटर मशीन रहती है, तो उसमें CO2 सिलेंडर को अटैच कर देंगे और यहाँ से पेशेंट के एब्डोमन में हम CO2 डालेंगे, जिससे कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी हम आसानी से कर पाएँ। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जाना मेडिकल गैस के बारे में, कौन कौन सी मेडिकल गैस हमारी ऑपरेशन थिएटर में या हॉस्पिटल में यूज होती है। दूसरा जाना हमने सिलेंडर का, कौन कौन से सिलेंडर हमारे पास आते हैं। और तीसरा हमने जाना जो सिलेंडर है उनका हम किस प्रकार से पहचानेंगे कलर कोडिंग में कि कौन सा कलर का कौन सा सिलेंडर है। और अगला हमने जाना कि सोर्स ऑफ गैसेज, जो ये मेडिकल गैस है ये हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। और लास्ट में हमने जाना था पिन इंडेक्स क्या होती है उसके बारे में।